हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम वेग और त्वरण से संबंधित एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले वगैरह थे वो हमने अपने पिछले वीडियो में देखे थे। अगर कोई विद्यार्थी इस चैनल पर आज मेरे नया हो तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल में हमको दिया है कि एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान है कि टी समय पर इसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी एक्स टी की पावर एन के समानुपाती है। यदि टी समय पर इसका वेग वी और त्वरण एफ हो तो सिद्ध कीजिए। तो ये हमको फॉर्मूला यहाँ पर सिद्ध करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो हमको प्रश्न के अंदर कंडीशन दे रखी है उसी को ही अप्लाई करेंगे। प्रश्नानुसार हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि सरल रेखा में गतिमान कण है कोई तो t समय पर इसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी t की पावर n के समानुपाती है, यानी x समानुपाती है t की पावर n के। तो यहां हमको दिया हुआ है x समानुपाती है t की पावर n के। ये कंडीशन हमको इस प्रश्न के अंदर दी हुई है। अब हम इसको यहां से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि जो ये समानुपाती का निशान है इसको इक्वल में चेंज कर लेते हैं और एक समानुपातिक स्थिरांक k हमने ले लिया और ये t की पावर n ऐसा का ऐसा ही हो गया। अब हमको प्रश्न के अंदर t समय पर वेग और त्वरण भी दिया हुआ है तो हम इससे वेग और त्वरण निकालेंगे, यानी इसका t के सापेक्ष दो बार अवकलन करेंगे। एक बार अवकलन करेंगे तो dx / dt से वेग आएगा और दोबारा जब अवकलन करेंगे तो त्वरण आएगा। देखिए, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो टी के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो सबसे पहले आएगा डीएक्स अपॉन डीटी, के कांस्टेंट एक्स की पावर टी की पावर एन का हो जाएगा एन टी की पावर एन माइनस वन और ये डीएक्स अपॉन डीटी बन जाता है वेग। तो ये वेग का समीकरण आ गया हमारे पास, यानी v बराबर हो गया k n t की पावर n माइनस वन। इसको इक्वेशन नंबर टू मान लिया। दोबारा अवकलन करते हैं, पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पुनः जब t के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल टू k n, तो पहले से ही कांस्टेंट है, अब n माइनस वन पावर और आगे आ जाएगी और t की पावर हो जाएगी n माइनस टू और ये बन जाएगा त्वरण जो हमको f दिया हुआ है। तो f इक्वल टू हो गया k n इंटू n माइनस वन t की पावर n माइनस टू। ये इक्वेशन नंबर हो गई थ्री। अब हमको जो सिद्ध करना है वहां से हम राइट साइड ले लेते हैं और राइट साइड है एन एफ एक्स अपॉन एन माइनस वन। देखिए, राइट साइड हमने ली एन एफ एक्स अपॉन एन माइनस वन। अब यहां पर हम एफ और एक्स की वैल्यू यहां पर लिख देते हैं समीकरण नंबर तीन और एक से। समीकरण एक और तीन से मान रखने पर, समीकरण एक और तीन से जब हम यहां पर मान रखेंगे तो देखिए n तो ऐसा कैसे ही रह जाएगा, f की वैल्यू है हमारे पास k n इंटू एन माइनस वन t की पावर n माइनस टू और x का मान हमारे पास है k t की पावर n और अपॉन में एन माइनस वन जो है वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो अब यहां पर देखिए एन माइनस वन तो कैंसिल हो गया दोनों ऊपर और नीचे से। अब जो पावर हमारे पास बच रही है उनको हम मिला लेते हैं तो हमारे पास देखिए यहां पर के स्क्वायर हो जाएगा, एन की पावर भी दो हो जाएगी, के स्क्वायर एन की पावर दो
और t की पावर n माइनस टू और t की पावर n, ये दोनों समान आधार की घाते हैं तो जुड़ जाएगी, तो t की पावर 2n माइनस टू हो जाएगी। और इसको हम सभी पर, आप देखिए यहाँ पर जितने भी पद लिख रहे हैं सभी के ऊपर पावर 2 तो लगी रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं के एन टी की पावर एन माइनस वन और इस पूरे के ऊपर वर्ग। तो इस टू पावर को जब वापस इंटू करेंगे अंदर तो वापस ऊपर वाली लाइन आ जाएगी। और समीकरण नंबर दो में हमने ये जो समीकरण निकाली है ये वेग की समीकरण है, तो समीकरण नंबर दो से ये वेग हो जाएगा, तो वी, ये वी का स्क्वायर हो गया, यानी वी स्क्वायर हो गया। तो अभी हमने ये प्रूफ कर लिया कि वी स्क्वायर बराबर एन एफ एक्स अपॉन एन माइनस वन। तो यही प्रश्न में हमको सिद्ध करने के लिए दे रखा था, तो ये फॉर्मूले अप्लाई करके बड़ी आसानी से हमने सिद्ध कर लिया। तो उम्मीद है सभी के ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।